हाइड्रोजन बांड बनाने की गुंजाइश नहीं है। अगर यूरेसिल हाइड्रोजन बांड बना सकता था तो फिर ये आरएनए भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे मुश्तमिल होता। चूंकि थायमिन में थायमिन साइटोसिन गोवानिन एडेनिन में हाइड्रोजन बांड बनाने की एबिलिटी है, यूरेसिल में नहीं है, तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे मुश्तमिल होगा, जबकि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगला टॉपिक है रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए सेल का बादशाह है। इनफैक्ट हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारी की सारी कैरेक्टर हमें मिले हैं डीएनए की वजह से, और उन कैरेक्टर्स के लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं प्रोटीन। प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। आप इस पे यूं समझे, फर्ज करें एक इंडिविजुअल है और उसकी नीली आंखें हैं, या एक इंडिविजुअल है और उसके करली बाल हैं, या एक इंडिविजुअल है उसका कद लंबा है, या एक इंडिविजुअल है उसका कद छोटा है, तो ये नीली आंखें, करली बाल, लंबा कद, छोटा कद, ये एक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर किस वजह से होता है? ड्यू टू अ प्रोटीन, एक खास किस्म के प्रोटीन की वजह से। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है डीएनए। एक बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उसका डीएनए ये सोचता है कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसकी नीली आंखें होनी चाहिए। वो नीली आंखें तब होगी जब उस बच्चे में खास किस्म का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो डीएनए ने सोचा कि ये बच्चा जो पैदा होगा इसकी नीली आंखें होगी। उस नीली आंख, ये नीली आंखें एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर किस वजह से आएगा? एक प्रोटीन की वजह से आएगा। तो डीएनए अब वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का हुक्म देगा कि इस बच्चे में ये फ्ला प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। डीएनए जो अपना हुक्म, जो अपना ऑर्डर जारी करता है, उस ऑर्डर को कहते हैं जीन। व्हाट इज जीन? डिफाइन करेंगे यू, पॉलीन्यूक्लियोटाइड responsible for the synthesis of a particular protein. Which impart some character to an individual.
ने एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ड्रा किया हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह इसमें नौ पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं जो एक दूसरे के साथ, सॉरी इसमें नौ न्यूक्लियोटाइड हैं जो एक दूसरे के साथ कंडेंस हो चुके हैं और ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन देखो, इस एक न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल है, साइटोसिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है एंड सो ऑन। डीएनए ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। चूंकि ये एक सिंगल चेन है तो ये सिंगल चेन कहलाता है मैसेंजर आरएनए, यानी ये जीन असल में एक मैसेंजर आरएनए होता है जो डीएनए इशू करता है। इस जीन में जो तीन नाइट्रोजन बेसिस एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे यहां यूरासिल साइटोसिन या गुआनिन साइटोसिन एडेनिन, ये एक कोड है जो एक खास अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो अब कहलाएगा मैसेंजर आरएनए, डीएनए ने इसे साइटोप्लाज्म में छोड़ा तो ये साइटोप्लाज्म में फिर रहा है, ये आ गया एक और आरएनए के पास जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। वो इस मैसेंजर आरएनए को यूं पकड़ता है और इसमें मौजूद इस कोड को डीकोड करवाता है कि डीएनए कह रहा है कि इस फ्लां अमाइनो एसिड को ले आओ। सपोज ये तीन नाइट्रोजन बेसिस रिप्रेजेंट करते हैं एलानिन को, ये तीन रिप्रेजेंट करते हैं लाइसिन को, और ये तीन एस्पार्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ट्रांसफर आरएनए जाके एलानिन ले आता है, लाइसिन ले आता है, एस्पार्टिक एसिड ले आता है। कहां पे ले आता है? राइबोसोम में। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है और इसी तरतीब से इनको एक दूसरे के साथ मिला लेते। तो जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल जाएं, इससे क्या बनेगा? प्रोटीन। उस बच्चे के अंदर यह खास प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ और इस प्रोटीन की वजह से उस बच्चे को स्पेशल कैरेक्टर मिला। कौन सा स्पेशल कैरेक्टर? वही स्पेशल कैरेक्टर जो डीएनए ने सोचा। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी को, मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी हमारी बॉडी को कम मिकदार रिक्वायर होता है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मिनरल इन ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंजाइम्स को एक्टिव रखते हैं, बॉडी रेगुलेटर्स हैं और इनके अलावा और भी ये बॉडी में ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिनरल्स हमें कहां से मिलते हैं? सोर्स क्या? बड़ा सोर्स है टेबल साल्ट, आम नमक,
सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा टेप वाटर, नलके का पानी अल्लाह की एक नियामत है जिनके अंदर ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, वेजिटेबल है, मिल्क, अंडा, ये मेजर सोर्सेस हैं, प्रोटीन, प्रोटीन से भी हम मिनरल मिलते हैं, तो ये मेजर सोर्सेस हैं मिनरल के। मिनरल तो वैसे हमारे बॉडी को ढेर सारे चाहिए, लेकिन हमारे कोर्स में है सिर्फ चार, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक। आयरन, आयरन हमारी बॉडी को किस मकसद के लिए चाहिए? आरबीसी बनाने के लिए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, आरबीसी की जिंदगी होती है 120 डेज। आरबीसी हर 120 डे के बाद टूट जाता है और आरबीसी की डेली सिंथेसिस के लिए हमें 27 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है पर डे। लेकिन अगर हमारी निजाम में 8-10 मिलीग्राम आयरन मौजूद हो तो ये क्वांटिटी सफिशिएंट होती है। वो रिमेनिंग आयरन फिर कहां से आता है? तो जब आरबीसी टूटता है, हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है जिसका नाम है फेरिटिन, ये इस आरबीसी के आयरन को स्टोर करवाता है और जब भी हेमोग्लोबिन या आरबीसी फिर से बनाना हो तो ये वही आयरन रिलीज करवाता है और हेमोग्लोबिन या आरबीसी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फीमेल को ज्यादा आयरन की जरूरत होती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड लॉस्ट होता है जिससे आयरन की कमी का सामना होता है। मेल के मुकाबले में फीमेल ज्यादा एनीमिक होते हैं, यानी उनमें आयरन की ज्यादा कमी होती है। आयरन हमारी बॉडी के लिए चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। किस फॉर्म में? Fe+2 के फॉर्म में। रिमेंबर, हमारी बॉडी को आयरन चाहिए इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ +2, इन द फॉर्म ऑफ फेरस। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेस आयरन हमारी बॉडी के अंदर, एक्सेस आयरन, इजाफी आयरन, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलके छोटे दाने बनाते हैं जिसको हीमोसाइड्रिन कहते हैं, और ये हीमोसाइड्रिन हार्ट में, स्प्लीन में और लीवर में स्टोर होता है जिससे हार्ट अटैक का भी खदशा होता है, स्प्लीन भी डिसफंक्शन हो जाता है और लीवर फटने का खदशा होता है जिससे लीवर सीरोसिस कहते हैं। ये हीमोसाइड्रिन स्किन के नीचे भी छुप जाता है और ये स्किन के कलर को ब्रॉन्ज जैसा बना देता है, यानी स्किन के कलर को चेंज करवाता है।
ये तब जब आयरन बॉडी में एक्सेस में हो। दूसरा मिनरल जो हमारे कोर्स में है वो है कैल्शियम। फास्फोरस इन दोनों का चूली दामन का साथ होता है बॉडी में। एक एडल्ट में तकरीबन 1 किलोग्राम आयरन होता है। ये दोनों बोन्स और टीथ में, दांतों में पाए जाते हैं। बोन्स में ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं और इसके उस कंबिनेशन को कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फार्मूला है ये Ca3PO4 whole 2। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि दांतों में इसे कहते हैं फ्लोरा एपेटाइट। फॉर्मूला है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा, इनके अलावा इनकी अच्छी खासी मिकदार ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट, फास्फोरस इन दी फॉर्म ऑफ फास्फेट, ब्लड प्लाज्मा में भी ये दोनों पाए जाते हैं। और ये जो फास्फेट है, फास्फोरस इन दी फॉर्म ऑफ फास्फेट, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने में मददगार साबित होता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए चाहिए बोन्स और टीथ के लिए, इसके अलावा सेलुलर एक्टिविटी के लिए, मसल और नर्व के फंक्शन के लिए, हार्मोनल एक्शन के लिए, और ये ब्लड कॉगुलेशन में भी मददगार साबित होता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था प्रोटीन में भी कि ये कैसे ब्लड का कार्बोहाइड्रेट में कि ये कैसे ब्लड कॉगुलेशन करता है। तो भाई ब्लड कॉगुलेशन बॉडी के अंदर नहीं, जब बॉडी जख्मी हो जाए और ब्लड बहना शुरू करे, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर न होता तो जख्म होने के बाद जिस्म से पूरा ब्लड निकल जाता। ये तो रब का शुक्र है कि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीन सब्सटेंसेस पेयर ब्लड को कॉगुलेट करवाता है बॉडी के बाहर से, वो निकल नहीं सकता। तो ब्लड कॉगुलेशन का मतलब है जब ब्लड बाहर निकले और फिर उसका बह जाना रुक जाए। ये तीन कंपाउंड्स की वजह से है, कैल्शियम के कंपाउंड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, फास्फोरस हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फास्फोरस फास्फो प्रोटीन में होता है, फास्फो लिपिड में होता है। फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी स्टोर करता है बॉडी में। फास्फोरस की एक अच्छी खासी मिकदार ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर ब्लड प्लाज्मा में
फास्फेट लेवल बढ़ जाए। तो इसका मतलब है कि गुर्दे नाकारा हो चुके हैं और अगर ब्लड से फास्फेट ज्यादा एक्सक्रीट हो तो इसका मतलब यह है कि ब्लड थिन हो चुका है। फोर्थ मिनरल विच इज जिंक, जिंक नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है और ये ढेर सारे एंजाइम्स का कंस्टिट्यूएंट्स है। इसके अलावा बॉडी में जिंक सेल की जिंदगी को इंक्रीज करता है और जुरिया पैदा नहीं होती। अगर बॉडी में जिंक की एडिक्वेट क्वांटिटी हो तो फिर रिंकल्स नहीं बनते। हमारी बॉडी में जिंक विटामिन ए को स्टोर करता है जिसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एक्सेस इंसुलिन ये भी यही जिंक स्टोर करता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री चैप्टर।